जिस आदमी का सामाजिक बहिष्कार हो जाए, जो आदमी ना अपने क्षेत्र में आ सकता, ना अपने जिले में आ सकता, जो ना प्रदेश में घूम सकता, तो ऐसे आदमी की बात करके मुझे लग रहा है हम बोलेंगे तो वो बड्डा बन जाएगा, मुझे लग रहा है। वो उपवास कर रहे डीसीएसपी को गेट पास खड़ा करके, आंदोलन का भी देखे आपने कितना अनुशासन, अपना पैसा खर्च कर रहे, अपना टाइम लगा रहे, अपना काम छोड़ रहे, ये आंदोलन, ये नौटंकी है। और नौटंकी का जवाब दिया जगह जगह तक मुँह खड़े करे हरियाणा में, तो ये सब जगह चल रहा है इनका। तो आज कहाँ से कहाँ तक आंदोलन निकल रहा है? आज बुढ़ेड़ा से लेकर के और वाणी रेनी सेक्रेट तक लगभग 50-55 किलोमीटर का सफर पड़ा है, और बहुत अनुशासित तरीके से आपने देखा, डिसिप्लिन से, शांति से, और सबने तय किया कि 24 तारीख को हम जो है लोहानी से और खरक होते हुए जो हमारा रोहतक बाईपास से होते हुए भद्रगढ़ टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, और एक हजारों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ ट्रैक्टरों के साथ तिरंगे लगा करके और इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई में एक योद्धा बन करके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। सरकार प्रशासन ऐसा वो तो जहीन में करना था पहले, वो तो कर चुके हैं। 26 जब हमारे 26 नवंबर को पंजाब के जो हमारे भाई आ रहे थे वो तब किया, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब तो इनकी हमने रग पकड़ रखी है, और ये एक भी कदम इन्होंने उठाया गलत तरीके से तो फिर उसके लिए खुद जिम्मेदार। तो चंदन जी के जो आरोप लग रहे हैं, कभी बताए जा रहे हैं, कभी सत्य बताए जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं? ऐसा जो भी संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर की बात करेगा उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और जो कोई बात संयुक्त किसान मोर्चे में आई है उसका संज्ञान लेना हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम है। और वो कमेटी भी बनी, कमेटी ने जांच भी करी, और जांच करी तो जो मामला था वो सारे का सारा क्लियर करके सबके सामने रख दिया गया था, और लगातार आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में किसी प्रकार के नियम में सब बदले आंदोलन को करनी है, क्योंकि राकेश सिंधिया जी का पुत्र यूपी से यहाँ पर आता है भिवानी जिले के गाँव के अंदर, क्या क्या देख रहे हैं? नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मैं भी यूपी जाता हूँ, मैं भिवानी से चल करके उत्तर प्रदेश जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, तो क्या मैं राजनीति करने के लिए चर्चा ही बनेगी? ऐसा कुछ नहीं, आज सारा देश एक है, उत्तर प्रदेश भी हमारा एक राज्य है, और वो लोग हैं जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे वर्षों से, वो आकर के हौसला बढ़ाएंगे। हम सब जगह जाते हैं तो सारा देश हमारा है, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे, कोई कुछ भी सोचे हमको मतलब नहीं। चलो थैंक यू जी, धन्यवाद।